मालिबू सर्फिंग दोस्तों और उनके दोस्तों के समूह को एक एक करके मार दिया जाता है और अपराधी सिनेमा में एक मालिबू ड्राइव पर उनके बीच हो सकता है। एक फिल्म कृपया बाइकर तूफान के बारे में बताएं। एक भोजनकर्ता डायन के लिए देख वह एक छोटे से कट आउट के साथ एक दीवार के पीछे डायन पाता है और एक चुंबन के लिए बैग निर्धारित वह दूर दीवार आंसू और पता चलता है कि वह तीन सिर उसे डराने हैं। फिल्म गोर या डीन के बीच में अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्लोरेंस वन लॉरेंस के बगल में डायन के चरित्र का विश्लेषण करता है जो स्नैक बार के लिए निकलता है और अपने परिवार के साथ रहने वाले एक सनी एक्सचेंज छात्र को बम देता है। वह सोचती है कि उसके साथ कुछ गलत है, कि कैसे महिलाएं उसके विपरीत पुरुषों के प्रति जुनूनी होती हैं। लेकिन लार्स उसे आश्वस्त करते हैं कि वह इन रोंडा के फ्लोरेंस के तुरंत बाद बड़ी हो जाएगी और जब तक एक सुखद बातचीत नहीं होगी। रोंडा ने एक साथ कार स्टार कैट में एक मनोविज्ञान के छात्र के साथ एक साथ चमत्कार और फ्लर्ट छोड़ने से पहले उसका अपमान किया और एक हॉट डॉग स्टैंड फ्लोरेंस में अपने भोजन को खाने के लिए आदेश दे रहा है, लेकिन खजांची किसी अन्य महिला में रुचि लेता है इससे पहले कि उसकी युवती अनदेखी महसूस करती है और एक परिपत्र पैटर्न के साथ एक संकेत स्पॉट करती है। मंत्रमुग्ध कर देती है कि उसके व्यक्तित्व में पूरी तरह से आधिकारिक अश्लील भाषा के साथ बदलाव आया है जो वह मानती है। किसी अन्य वाहन में पहले सेवा करने के लिए एक दंपति शाम की योजनाओं के लिए एक आइटम को पुनः प्राप्त करने के लिए बाहर निकलता है। जबकि वह दूर रहता है, एक फांक होंठ वाली महिला द्वारा अभिवादन किया जाता है। एक हथियार है कि लिखा है कि उस पर कुछ गलत वर्डिंग चेक लिखा है। महिला को मृत पाता है और अगले दिन चीखता है जब बर्डी अपने सबसे अच्छे दोस्त को भीषण घटना सुनाता है। जब अधिकारी कप्तान मोनिका और जासूसी कुकी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची, अधिकारियों ने घटना के बारे में फ्लोरेंस और बर्डी से पूछा, लेकिन रात से फ्लोरेंस की स्मृति एक धब्बा है जिसके कुछ ही समय बाद लॉरेंस की माँ ने उसे लेने के लिए कहा। बेटी मोनिका ने उस रात अपने ठिकाने के लिए मर्स के जंगल से पूछा कि वह किस मिट्टी की मिट्टी पर मुकदमा कर रही है। पुलिस ने सूचना के लिए फ्लोरेंस को दबाने की कोशिश की, लेकिन एक उपक्षेत्र के बिना उन्होंने जंगलों को छोड़ दिया। वन निवासियों में लास अपने कपड़े धोने की तैयारी करता है, लेकिन रूथ जोर देकर कहती है कि वह ऐसा करेगी क्योंकि उसने पुरुषों के कपड़े नहीं धोए हैं। सेंसर पति की मृत्यु हो गई है। लास का सुझाव है कि वह पुनर्विवाह करती है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास कई थे पिछले प्रेमियों ने। कुछ समय बाद लॉरेंस और बर्डी को एक संयुक्त चमत्कार और मालिबू समुद्र तट पर लोकप्रिय सुंदरता आत्मविश्वास से सरफर्स के लिए सिर दिया और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पोज दिया। हालांकि वे उसे नोटिस नहीं करते हैं, वह अपने शीर्ष लाभ प्राप्त करने वाली स्टार बिल्लियों का ध्यान आकर्षित करती है। स्टार कैट खुद को इश्कबाज लॉरेंस के रूप में पेश करती है और बर्नाडाइन उनके पास थी और लॉरेंस सर्फर्स को यह जानने के लिए उत्सुक करती है कि पुरुषों को कैसे सर्फ करना है। सर्फिंग मूव्स का नामकरण करके उसे डराएं, यह कहते हुए कि विश्व चैंपियन दस्तक दे सकता है। मैं उसे स्टार कैट के कहने के बाद उनके साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दूंगा कि महिलाएं चमत्कार नहीं कर सकती। पुरुष कहते हैं पानी में बा में फ्लोरेंस को संक्रमित किया जाता है कि वह सर्फर्स ग्रुप जी का हिस्सा नहीं हो सकती है। फिर उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोरासिस पीड़ित सर्फर जूनियर यात्रा को एक बातचीत साझा करने के लिए बनाता है और फ्लोरेंस रास्ता सीखता है जहां हमारे जीवन को जल्द ही दस्तक दे सकते हैं। वे गर्म होने का कारण नहीं बन सकते हैं और खुद को सर्फिंग लीजेंड कोनों में प्रवेश करते हैं। वह उनसे अपने सर्फ की मदद करने के लिए भीख मांगती है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह देखती है उसकी शर्ट पर गोलाकार पैटर्न उसे उसके सामान की व्यक्तित्व लॉरेंस में खुद को और गेंदबाज को बुलाता है और मुखर रूप से उस आदमी को नहीं देख सकता है जो सोचता है कि वह उसे लुभाने के लिए कह रहा है, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए कहता है। प्रमुख महिला मना कर देती है और उसे एक पट्टा पर समुद्र तट पर लाने की योजना बना रही है, यह जानते हुए कि वह आगे की कानून व्यवस्था जारी रखने से पहले उसके बारे में कल्पना करती है कि उसका असली आत्म दस्तक दे सकता है। मुझे पता चला कि वह भूल गई उनकी बातचीत और वह उसे यह सिखाने के लिए मनाती है कि कैसे सर्फ करने के लिए जल्द ही शिक्षकों को यह उम्मीद नहीं मिल सकती है कि और गेंदबाज अन्य सर्वर वापस कर देंगे और योयो और प्रोवोलोन के साथ इस बारे में प्रतीक्षा करें कि वह अपनी युवा बीमारी के बारे में टिप्पणी कर रहा है और उसके चूजे के उपनाम में वह अपने उपनाम को गले लगाती है जो पास के समुद्र तट के घर को देखते हुए खेल में शामिल होने के लिए उत्सुक है। समूह एक गोरी महिला को देखता है, वे कहते हैं कि यह एल्किंस घर था, पहले कई लोग एक डिनर में अपनी जान गंवाते थे। सर्वर बर्ड आराम देता है जो फ्लोरेंस रोंडा के इंतजार में है सर्वर से शिकायत करने के लिए और मित्रहीन होने के लिए बीडिंग का अपमान करने के लिए, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका दोस्त जल्द ही समुद्र तट पर आएगा। सर्फर्स में से एक दो महिलाओं को चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता है उनकी गर्मियों की पार्टी द्वारा लुआ लॉरेंस यह सुनता है, लेकिन पुरुष छोड़ने से पहले शामिल होने के उसके अनुरोध को खारिज कर देते हैं। जब जूनियर अपने सर्फबोर्ड लॉरेंस को लेने के लिए नीचे झुकता है, वह एक परिपत्र पैटर्न है, उसके शॉर्ट्स ने उसे शिफ्ट कर दिया जो अगले दिन उसे अस्वीकार करने के लिए उससे बदला लेना चाहता है। जब एक पक्षी समुद्र तट पर एक मानव दिल में पैक करता है, जब गिरोह सर्फिंग प्रोबोलोन से लौटता है, वह अपने कब्ज स्टार कैट के बारे में शिकायत करता है कि क्या उसके दोस्तों की स्थिति मनोवैज्ञानिक मुद्दे से हो सकती है और फर्श से पता चलता है कि नाका के लिए एक घरेलू उपाय उसके दिल से बाहर निकलता है और आश्चर्य होता है कि जूनियर स्टार है। बिल्ली फ्लोरेंस से पूछती है कि वह उसे देखने के लिए आखिरी थी, लेकिन वह दावा करती है कि वह केवल जूनियर के साथ थी। फिर मुझे उकसाया और आप रेत में कुश्ती शुरू करेंगे और चीजें मिलेंगी भाप से भरा, जब तक योयो एक विघटित हाथ पकड़
लेता है। समूह हैरान हो जाता है और यह महसूस करता है कि उसे बाद में जूनियर त्वचा की स्थिति को फिर से आश्वस्त करना होगा। जिस दिन मोनिका आती है और कुकी से पता चलता है कि उन्हें शरीर के अन्य हिस्से मिले और उल्लेख किया गया केवल फ्लोरेंस के पास एक एलिबी नहीं है, लेकिन मोनिका को सूचित नहीं किया जा सकता है कि उसने पुराने दोस्तों की तरह नाका और मोनिका भोज के लिए युवती के लिए भोजन खरीदा और वह एक पुलिस अधिकारी के साथ फ्लर्ट करता है। वह चुनती है और पैरों के बीच यो-यो के कारण पूछती है कि वह उन पर क्यों उठा रही है। कप्तान जवाब देता है कि वह उन्हें पसंद नहीं करती है और पुलिस के ठीक बाद उसकी सिंचाई तकनीकों के बारे में दावा करती है। छुट्टी और स्टार के पूछता है कि कप्तान के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं जा सकता है, जिससे यह पता नहीं चल सकता है कि वह दूसरी तरफ मोनिका के साथ एक रात बिताना चाहता है जो उसके जूनियर हैं। और फ्लोरेंस ने टिप्पणी की कि कुछ पागल लोगों को घर के फ्लोरेंस में ऐसा काम करना भी याद नहीं होगा। लार्स को फिर से कपड़े धोने का काम करते हुए देखा जाता है क्योंकि वह अब दिन की घटनाओं को मिटा देती है, लेकिन वह उससे आग्रह करती है अगले दिन लॉरेंस पर आगे बढ़े। और सरफर्स ने भव्य गोरा को देखा और महसूस किया कि वह एक बांस के बीच फिल्म में ड्राइव से अभिनेत्री है। वह बताती है कि वह अपने स्टूडियो से छिपकर बच जाती है उसकी शोषक कंपनी, जबकि पुरुष अभिनेत्री को छुड़ा रहे हैं, ने फ्लोरेंस को सूचित करने के लिए एक बड़े प्रशंसक के रूप में डिनर पर उसके लंबे इंतजार के बारे में बताया कि बेटीना को देखने के लिए हांफते हैं। इसलिए अभिनेत्री ने पूछा उसे इस साल गर्मियों में उसका सचिव बनने के लिए यह देखते हुए कि कैसे फ्लोरेंस को सरफर्स के साथ अधिक मजा आ रहा है, उसके साथ या डीन बाग की मंजिल की पेशकश को स्वीकार करते हैं और अकेले काम करते हैं और बिल्ली उसे देखती है उसके सर्फबोर्ड से गिर जाते हैं। इसलिए वह गोता लगाता है और उसे सुरक्षा के लिए ले जाना संभव है। उसने उसे बचाया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता है। वह कहता है कि वह उसकी सलाह से नफरत नहीं करता है। इससे पहले कि वह अगली बार मिटा दिया जाता है, उससे पहले उसे मरने के लिए हालांकि उसका सफाया हो गया था क्योंकि वह एक दुर्घटना थी और परीक्षणों में उसे सही शुरुआत कहती है जिसे वह दबाव का वर्णन करता है। इसके अलावा वह निराश है कि वह केवल उन लोगों में से एक होने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो बिल्ली की इच्छा है कि वह एक सामान्य महिला की तरह थी, जैसे कि वह एक ऐसी लॉरेंस मॉक करती है जिसे वह छोड़ देती है। और एक आधा क्रोधी किशोर चिल्लाते हैं कि घर के बीच में कितना सही है क्योंकि अभिनेत्री ने साइफी हॉरर फ्लिक्स को खारिज कर दिया है, जो उसके बाद बर्डिड ने उसे एक पारिवारिक चित्र दिखाया जो उसने पाया कि हमारे बीच जैसा कि यह सरपर्स को चोट पहुंचाता है। फिर बीटीना फूल लाने वाले निवास में प्रवेश करें जो कि पक्षी को बधाई देता है, लेकिन सचिव ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय समूह को परिवार की तस्वीर सीखने से पता चलता है कि यह पिछले हैं मालिकों के एल्किंस परिवार के सरफर का हिस्सा है कि 15 साल पहले सबसे छोटे बेटे लैरी ने अपने परिवार के सदस्यों की जान ले ली थी। प्रजन का सुझाव है कि वे भूत सट्टेबाजी से छुटकारा पाने के लिए ओझा अनुष्ठान करते हैं। घटना बनाता है एक नींद की पार्टी में, और जब फ्लोरेंस ने अपनी माँ से रूथ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो वह उसे अनुचित कार्य के कारण अनुमति नहीं देती है। जो युवा वयस्क पार्टियों में पोल का डॉट्स को जड़ों पर देखते हैं, एप्रन फ्लोरेंस एक सैसी महिला बन जाती है जिसे समय कहा जाता है। समय का मतलब है कि दुबला थप्पड़ रख तड़क भड़क कर ट्रांस से बाहर निकलता है क्योंकि उसकी माँ यह सोचकर कि वह सबसे बुरी माँ है, यह देखकर कि फ्लोरेंस कितना चाहती है रूथ जाने के लिए, उसे नींद में भाग लेने की अनुमति देता है। स्लंबर पार्टी पेटिना ने सुझाव दिया जाता है कि वह अपने घर में हर एक में एक भूतिया उपस्थिति का वर्णन करता है, लेकिन प्रजन उसके मूड को बर्बाद करने में बाधा डालता है। रसोई पेटिना में भोजन तैयार करने के लिए एक कदम के बीच डीजे के साथ फ्लर्ट करता है और उसे उससे मिलने के लिए कहता है। और 10 मिनट इस बीच लॉरेंस ने स्टार कैट से उसके ब्लैकआउट के बारे में सवाल पूछा। एक दोस्त स्टार बिल्ली के लिए लगता है कि उसके ब्लैकआउट सिज़ोफ्रेनिया के मनोवैज्ञानिक एपिसोड हैं। वह प्रतिदिन के लिए चिंता व्यक्त करता है यह मानते हुए कि वह फ्लोरेंस केवल दोस्त है जो ऊर्जावान महिला स्टार कैप का अपमान करता है। एक प्रस्ताव का माफी मांगता है। वे हॉक और फ्लोर को क्रूज करते हैं और एक पेंटिंग की आंखों में एक गोलाकार पैटर्न देखते हैं और गेंदबाज वह चमत्कार देता है और एक मतल भी नजर आता है जब सौंदर्य बिल्ली वह उन्हें ईर्ष्या चमत्कार करती है और शुरू करने के लिए कॉल करता है और फ्लोरेंस के रूप में छोड़ने के लिए उन्हें बाथरूम में क्रूरता से देखता है। टीजे बेटिना के लिए इंतजार करता है और यहां दरवाजे पर एक दस्तक होती है जब वह इसे एक अज्ञात हमलावर खोलता है। अचानक एक हथियार के साथ उसकी छाती को ठोकर मारता है। इस बीच वह और योयो हमारे बीच कोशिश करते हैं कि फैंसी लूट योयो हाथ साबित करते हैं कि वह एक नारंगी बागे है, लेकिन बाद वाली बात यह है कि यह अचानक चापलूसी नहीं करता है। इसके बीच में योयोस लुक की प्रशंसा होती है और उसके बागे प्रोवोलोन को बदल देता है। वह अपने ब्रांड को पकड़ लेता है और वे जल्दी से मर्दाना कंपनी के पक्ष में स्ट्रैंड कोटरी को छोड़ देते हैं। समवर्ती फ्लोरिन बर्डिंग में विश्वास करते हैं ब्लैकआउट जब अचानक उन्हें एक टॉर्च के साथ आश्चर्यचकित कर सकता है और तीन यहां एक चीख के बीच डीजे को हटा दिया गया है जिससे सभी को सदमे में देखा जा सकता है। इससे पहले कि जासूस सभी की जांच करने के लिए पहुंचे घर में पुलिस मोनिका द्वारा बेटीना पर जांच की जाती है, लेकिन अपने छोटे वर्षों में पुलिस स्कूल को एक साथ अपने समय के बारे में याद दिलाते हुए कनाडा की दृष्टि से विचलित हो जाता है। नहीं जा सकते हैं और मोनिका के पास पुलिस कार में एक अंतरंग क्षण था जब वे कनाडा में अपनी शादी की योजनाओं पर उत्साह से चर्चा करते थे, लेकिन मोनिका अपने करियर पर
ज्ञान केंद्रित करना चाहती थी ताकि उसके साथी को छोड़ दिया जा सके। उसे वर्तमान में अधिकारियों ने नोटिस किया कि टीजे में केवल एक गोनाद है जो यह याद करता है कि पहले पीड़ित के पास एक फंक होंठ था, जो उन्हें पता चलता है कि पीड़ितों के पास सामान्य पहलू में एक चीज थी। अगली सुबह फ्लोरेंस और पक्षी अलग अलग दिखते हैं क्योंकि रूथ उसकी गुड़िया चाकू को तेज कर देता है और माँ समुद्र तट पर अपूर्णता के लिए उसकी नफरत के बारे में टिप्पणी करती है और अधिक नुकसान उठाती है। इसलिए स्टार कैट आग्रह करती है कि लू को रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन नेता हिलता नहीं है। फिर वह पार्टी के लिए कानून को आमंत्रित करता है और पूरे समूह ने कुछ तरंगों को पैच किया। जब वे फ्लोरेंस हग स्टार कैट करते हैं, जो आपने पूछा कि क्या वह अपने दोस्त को स्वीकार करने के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकता है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन मोनिका पर परेशान हो जाता है। अपराधी के बाद से होमिसाइडल उन्माद के बारे में एक मनोवैज्ञानिक का साक्षात्कार करता है, अनियमितता से नफरत करता है। मनोवैज्ञानिक यह अनुमान लगाता है कि अपराधी को सामान्य रूप से पारित होना चाहिए, जबकि बच्चे के समान निविदा अत्यधिक परिष्कृत बुद्धिमान उत्तर इस मोनिका के साथ संदिग्ध हो सकता है। फ्लोरेंस कैंडा शेक लॉरेंस के बाहर रूथ और बेटिना है, उसके क्रश पर सलाह के लिए हेड सर्फर से पूछा, जिसका वह जवाब देता है कि उसे बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए। फिर वे अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वह अपनी लालसा और गेंदबाज लॉरेंस का वर्णन कर सकता है। इस बात से अनजान है कि उसके पास कौन और बम है, जब तक कि वह अचानक एक गोलाकार खिड़की नहीं देखता है और उसे उसके विक्सेन को बदल देता है जैसे व्यक्तित्व से मिला, और उत्साहित होकर यह नहीं जान सकता कि यह परिपत्र नहीं सीख सकता। छवियां फ्लोरेंस को एक रोमांचित में बदल देती हैं। वह एक कोर सेट को दिखाने के लिए अपने सुनिश्चित को हटा देता है, जो दुबले परेशान में बदल जाता है और हमारे बैग को पीछे और पीछे खिसका सकता है, और वह अपनी केड़ी के साथ लौटती है भोजनशाला में। प्रकृति बेटिना को पहचानता है और ट्रिस को छोड़ने से पहले उसकी उपस्थिति की आलोचना करता है, जो स्टारलेट के समान है जो भयानक साइफी फिल्में बनाता है, जिससे वह किसी के बाहर तूफान पैदा करता है। रोंडा को धक्का देता है। डिनर लॉरेंस में विरोध प्रदर्शन के रूप में उसकी व्हीलचेयर दूर आती है और उसके व्यक्तित्व यो-यो में उसका संकलन होता है, लेकिन निर्दोष फ्लोरेंस उसके सच्चे आत्म को अचानक प्राप्त कर लेता है। इसलिए वे एक चीख सुनते हैं, वे बाहर भाग गए, और बेटिना और एक सिर वाले धावक को बढ़ते हुए संदेह के साथ मोनिका समूह को पुलिस स्टेशन में लाती है और उन्हें सूचित करती है कि सभी पीड़ितों की खामियां हैं। अन्य पुरुष इसे हंसते हैं, लेकिन योलो अनुमोदन के लिए अपनी रोमांटिक भावनाओं को प्रकट करता है, जो आदमी से पहले तूफान बंद कर देता है। फ्लोरेंस में खत्म कर सकते हैं। कमरा बर्डी उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसके ब्लैकआउट के बारे में कोरियंस के लिए चुंबन में झुकाव आराम देता है। लॉरेंस में प्रवेश करता है, उसने उसे लू के लिए अपनी पैंट ठीक करने के लिए कहा, और उसके जाने के बाद लॉरेंस कहती है कि वह लू में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन बर दी ने उसे समुद्र तट पर जाने के लिए मना लिया। चिंता है कि वह त्रासदियों के पीछे है, जबकि चमत्कार और स्टार बिल्ली को स्कूल लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, इसलिए वह मना कर देती है ताकि वह अपने रिश्ते को इंगित करने वाले दर्द को दूर करने का प्रयास करे। स्टार कैट मदद करने की कोशिश करती है और गलती से अपनी बोतलों को बंद कर देती है, इसलिए वह उनके बिना भाग जाती है। बाद में लॉरेंस स्टार कैट को आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक बच्चा कहता है, जो नाराज फ्लोरेंस को नहीं समझेगा। वह यह नहीं जोड़ रही है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन स्टार कैट को लगता है कि वह उसे ईर्ष्या का एहसास करा रही है, कि वे बहस कर रही हैं, कि वह उसे अपनी मासूम मंजिल की याद दिलाता है जो उसने पूछा है। ऐसा करने वाले जोरों ने उसे अंतरंग कृतियों का प्रदर्शन करना सिखाया है। जब वह विस्तार करने के लिए जाता है तो वह निराश हो जाता है और स्टार कैट सम्मेलन के तुरंत बाद छोड़ देता है। फ्लोरेंस के बारे में नहीं जा सकता है और सर्फिंग चैंपियन उसके विभाजन का खुलासा करता है। व्यक्तित्व विकार एक था वो प्रदर्शित करता है, जिससे उन्हें संदेह होता है कि वह हाल की हत्याओं के पीछे अचानक लॉरेंस में प्रवेश करता है और नहीं कर सकता। हमारे शो ने उसे अपने नए सर्कल आकार की सजावट का एहसास कराया, जो कि उसके बॉल्ड साइड बिल्ली के लिए कानून का लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर सकता है। सर्फिंग चैंपियन को घूंसा मारता है, जिससे अप्रत्याशित रूप से लड़ाई होती है, और इस बीच पुरुषों को धमकी देता है कि कुकी पंजीकृत नाम के बारे में मोनिका को सूचित करती है। हालांकि घातक घटनाओं में चकमा कार के दृश्य के लिए भड़कना, यह पता चलता है कि यह रात के जंगल के लिए एक विपर्य है। अगर वह अपनी कार को लू में सिर पर उधार ले सकता है, और वह लुआ बेटिना और चमत्कार ने उसके साथ नशे में चूर हो जाता है और एक साथ नृत्य करता है, तो फ्लोरेंस घर पर हंसता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे जाने के लिए पीटा, लेकिन प्रजन से उसे पार्टी की दुकान पर भागने में मदद मिलती है। बिल्ली फ्लोरेंस की तलाश करती है, लेकिन एक गुस्से में चमत्कार की जरूरत होती है, जो हमारे दोस्त के बीच भी मिलती है, जिसकी सुनवाई हानि होती है और 11 उंगलियों के रूप में वह दूर चला जाता है। स्टार कपलैंड आदमी के अपने परिचित भाग्य। इस बीच प्रोवोलोन वह नए और भोजन के बारे में चिंता, तो योयो एक चुंबन प्रोवोलोन वह महसूस कर सकते हैं के साथ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। वह अब कब्ज नहीं है, इसलिए वह योयो को फेंकता है और बाथरूम में भागता है, और अंत में फ्लोरेंस आता है, जो स्टार कैट सोचती है कि आपको पार्टी में संदेह नहीं होना चाहिए कि वह हत्यारा है। जो वह सोचती है कि वह है चमत्कार करने के लिए उसकी दूसरी पसंद, और इसलिए वह खुद का आनंद लेने का फैसला करती है कि लार्स की जरूरतें क्यों सूख जाती हैं। दुश्मन स्टार बिल्ली को नहीं मार सकते हैं और सर्फिंग चैंपियन उनके पास पहुंचते हैं, दावा करते हैं कि उन्हें एक निर्दोष की जरूरत है। इस कानून को सुनने के बाद एक अनुष्ठान के लिए बलिदान स्वयं को अनुष्ठान के बाद भीड़ में फ्लोरेंस को बदलने वाला एक चक्र बनता है, और गेंदबाज जो उन्माद को हंसाता है वह अचानक आता है और आदमी को दोषी ठहराता है। अपनी बेटी के व्यवहार के लिए मनोविज्ञान ड्रॉप आउट स्थिति को समझाने की कोशिश करता है और उसके विभाजित व्यक्तित्व विकार को प्रकट करने के लिए फ्लोरेंस को सम्मोहित करता है।
उसकी विभाजित व्यक्तित्व वह अपनी माँ को खुद को और गेंदबाज को बुलाते हुए याद करती है क्योंकि उसने एक नाविक की बाहों के लिए फ्लोरेंस और उसके भाई फ्रेंकी को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए भाई बहन एक स्विंग सेट पर गए जहाँ फ्लोरेंस फ्रेंकी स्विंग को उच्च बनाने में मदद करता है क्योंकि उसने अनुरोध किया था कि उसने उसे इतनी मेहनत से धक्का दिया कि वह एक परिपत्र पैटर्न का खुलासा करते हुए दूर तक बह गया क्योंकि स्विंग ने पूरे झूलों को घेर लिया। वर्तमान रथ दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराता है और फ्लोरेंस उसे गले लगाती है। जब फ्लोरेंस को लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मोनिका गिरफ्तार किया जाएगा बजाय यह विश्वास करने के कि उसने अपूर्ण पीड़ितों को समाप्त कर दिया। डीन अपने सबसे अच्छे दोस्त से माफी मांगता है और इच्छाओं वह उसकी मदद की थी तो लास्ट फ्लोरेंस घर ले जाने के लिए इससे पहले कि वह फ्लोरेंस वे बिल्ली एक्सटोर छोड़ देता है और के रूप में वे के बारे में कर रही है के बारे में चुंबन लास बाधित यह कार लास के साथ सहानुभूति है। हमलावरों का लक्ष्य है कि वह उन खामियों की दुनिया को पढ़े जिनमें वह दोषपूर्ण फ्लोरेंस या उसके विभाजित व्यक्तित्व विकार है और उसे पता चलता है कि पार्टी के बाकी गिरोह के बाद वह सुरक्षित सफाई नहीं कर रही है। लगता है कि रूथ हमारी टिप्पणियों के बीच हत्यारा नहीं है कि यह अच्छा है कि फ्लोरेंस लार्स के साथ है जब तक कि स्टार कैट को कुछ गलत का एहसास नहीं होता है। उन्होंने एल्किंस परिवार की तस्वीर को महसूस किया कि लैरी एल्किंस लार्स है इसलिए वे लॉरेंस को बचाने के लिए भागते हैं। इस बीच फ्लोरेंस कार से बाहर कूदता है और एक चाकू से लैस लार्स से छिप जाता है। वह उसे पाता है और पता चलता है कि वह लैरी एल्किंस है इससे पहले कि वह उसे छुरा और शिफ्ट करता है। टाइम में मतलब है कि उसका हमला बंद हो जाता है और उसे चाकू से मार दिया जाता है। लैरी ने उसका पीछा करते हुए एक बिलबोर्ड की बात व्यक्त की जो उसके परिवार को जन्म दोष और गिरोह के आसपास के विकारों से भरा हुआ है। चकमा कार का पता चलता है जिसके बाद बिलबोर्ड फ्लोरेंस पर प्रकाश डालने वाले पुलिस वाले शीर्ष पर पहुंचते हैं और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ते हैं और गेंदबाज जब लैरी उसके डर महिला किट पर हमला करने वाला होता है लैरी लेकिन सुनने वाली स्टार कैट पर अपना असली आत्म प्राप्त कर लेती है। उसे सौभाग्य से मोनिका बुलाती है और लैरी को गोली मार देती है जो बिलबोर्ड से गिर जाता है। सीढ़ी से नीचे कूदता है जो गिर जाता है। स्टार बिल्लियों ने नोटिस किया कि वह किसी भी सर्कल मोनिका के एक एपिसोड में बदल नहीं गई थी। फिर भूमि और हथियारों का कारण नहीं बन सकती है और दूसरे हाथ के स्टार पर अपने रोमांस को फिर से जागृत करने के लिए चलना है। टोपी अपने अध्ययन को फिर से शुरू करने की योजना है और अपनी कलम पहनने के लिए फ्लोरेंस से कहा वह खुशी से स्वीकार करता है और चुंबन अचानक फ्लोरेंस परिचित द्वारा एस्कॉर्टेड एक मनोरोग सुविधा में उसके बिजली के उपचार के लिए जागृत है। युवती ने नोटिस किया कि वे उसके सपने की कहानी में लोग थे जिसे एक फिल्म में रूपांतरित किया गया है और सिनेमा में एक ड्राइव पर खेला जाता है जो फिल्म की प्रतिक्रिया देख रहा है समाप्त हो रहा है और महिला को राहत मिली है कि और गेंदबाज को गोमेद दर्शक ली फ्लोरेंस में पकड़ा गया था और पीछे की सीट से गेंदबाज व्यक्तित्व स्प्रिंग्स और उन पर हमला किया।